आप सबका बहुत स्वागत है हमारी सीरीज में परमेश्वर के पर्व। आज हम बात करेंगे फसह के पर्व के बारे में। फसह का पर्व इजरायलियों के द्वारा मनाया गया सबसे पहला पर्व था। इसका वर्णन हमें निर्गमन अध्याय 12 में मिलता है। फसह के पर्व को इब्रानी में पैसाख कहते हैं। पास्टर मोना, आप हमें बताएं कि फसह के पर्व के दिन क्या हुआ और ये जो पर्व है इजरायलियों के द्वारा क्यों मनाया गया? सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं, जो फसह के पर्व की जो घटना है वो एक ऐतिहासिक घटना है जो आज से करीब 3000 या 3500 वर्ष पहले हुई थी। और वास्तव में ऐसा हुआ था, इस दिन परमेश्वर ने इसराइलियों को, जो कि मिस्र की 400 वर्ष की गुलामी में थे, उस दिन परमेश्वर ने इसराइलियों का छुटकारा किया था। तो वो जो आखिरी दिन था, परमेश्वर ने इसराइलियों को फसह का पर्व मनाने के लिए कहा। निर्गमन के 12 अध्याय में हम देखें, अगर 6 और 7 आयत को आप पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर कहता है कि एक वर्ष का निर्दोष मेमना लेना और उसे गोधूली के समय में बलि करना और उसके लहू में से कुछ लेकर अपने घर की चौखटों और अलंगों पर लगाना और उस मेमने को भूंज कर खा लेना। और अगर हम 12 आयत और 13 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि उस रात मैं मिस्र में से होकर गुजरूंगा और जिस भी घर के ऊपर, खिड़की के ऊपर और दरवाजे के ऊपर मैं मेमने का लहू लगा हुआ देखूंगा उसको मैं छोड़ दूंगा, और जितने भी लोगों के, पशुओं के पहलौठे, यहाँ तक कि मिस्र के देवताओं को भी दंड दूंगा। तो पास्टर रश्मि, आप पढ़ दीजिए, हम अपने दर्शकों के लिए पढ़ेंगे निर्गमन 12 का 6 और 7 आयत, आप पढ़ दीजिए। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना और उस दिन गोधूली के समय इसराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें, तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन घरों में तुम रहोगे वो लहू तुम्हारे लिए चिन्ह होगा, मैं उस लहू को देखकर तुम्हें छोड़ जाऊंगा, पास ओवर हो जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब ये विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। इस दिन को यहोवा का पर्व करके मनाना। तो क्योंकि उस दिन इसराइली नष्ट नहीं हुए, क्योंकि परमेश्वर वहां से मिस्र से गुजरा था, इसराइली बच गए थे क्योंकि मेमने का लहू उनके दरवाजों पर, चौखटों पर लगा हुआ था, परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया था। उसी याद में ये फसह का पर्व मनाया जाता है क्योंकि इसराइलियों पर वह विपत्ति नहीं पड़ी। पास्टर, आप हमें बताएं, ये जो फसह के पर्व की घटना है ये आज से 3000 से 3500 साल पुरानी घटना है, और हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने के द्वारा होता है। तो ये जो फसह के पर्व की घटना है, इससे हम क्या सीखते हैं? पुराना नियम में जो भी घटनाएं हुई हैं, वो आने वाले बातों को इंगित करती हैं, प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करता है पुराना नियम। तो जो भी बातें, जैसे कि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब मेमने को के लहू को देखा तो परमेश्वर ने इजरायली लोगों को छोड़ दिया, और जहां जहां मेमने का लहू नहीं लगा था, जिन चौखटों पर और अलंगों पर, उनके घर के सारे पहलौठे, इवन पशु, उनके घर के पहलौठे लोग जो थे वो सारे मारे गए। तो हम इससे क्या सीखते हैं कि जैसे हम नया नियम में हम देखते हैं कि जब योहन्ना, उसका पहला अध्याय उसकी 29वीं आयत में हम देखते हैं, जब वो प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो कहते हैं कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा लिए जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है जो कि हमारे सब लोगों के पापों को उठा लिए जाता है। तो हम जब इफिसियों की जो पुस्तक है उसका 1 अध्याय उसकी 7वीं आयत में हम देखते हैं, उसमें लिखा है कि मसीह के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है, अर्थात हमारे पापों की क्षमा हुई है। तो आज क्यों हमारे पर विपत्ति नहीं आती? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह
का जो लहू है उसके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारा छुटकारा हो चुका है। पास्टर मोना, हम जो नए इजरायली हैं, क्या हम इस फसह के पर्व को मना सकते हैं? हाँ जी, हम इस फसह के पर्व को मना सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने, अगर हम लूका रचित सुसमाचार की पत्री को देखेंगे, उसका 22 अध्याय देखेंगे, उसकी 20 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने फसह का पर्व मनाया। और जब वहाँ पर फसह का पर्व मनाया जा रहा था, तब प्रभु यीशु मसीह ने एक नई वाचा दी। तो अगर हम 22 का 20वीं आयत में देखें, वहाँ पर लिखा है कि इसी रीति से प्रभु यीशु ने कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो जब हम प्रभु भोज लेते हैं, वो हमारा नए इसराइलियों का फसह का पर्व है। और आगे की आयतों में वचन कहता है कि जब कभी तुम मिलो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो हम जब कभी मिलते हैं तो हम ये स्मरण करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू मेरे पापों की क्षमा के लिए, मेरे छुटकारे के लिए, मुझ पर विपत्ति ना आए इसीलिए बहाया गया। तो ये नई वाचा प्रभु यीशु मसीह ने हम नए इसराइलियों को, हम जो विश्वास करने वाले लोग हैं प्रभु यीशु मसीह पर, उन्हें दी। और नए तरीके का फसह का पर्व नई वाचा के रूप में हमें दिया। उन्होंने रोटी ली एक चिन्ह के रूप में, उन्होंने दाखरस लिया और दाखरस को बोला कि ये मेरा लहू चिन्ह के रूप में तुम इसे ग्रहण करो। तो जब हम प्रभु भोज लेते हैं, वो दिन हमारे लिए फसह का पर्व होता है। हम याद करते हैं उसको और इस बात को याद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया। तो ये फसह का पर्व हम मनाते हैं जब, और प्रभु कहते हैं कि तुम मनाए, जब कभी मिलो तो फसह का पर्व मनाया करो, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद किया करो। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इस फसह के पर्व को हम मनाते हैं। हालेलुया।